आपकी आपकी तारीफ? मुझे मालती कहते हैं। लेकिन ये सब क्या है? ये कैदी, ये वार्डर, ये घर है, ये जेल? पिताजी, आपका कैदी पकड़ा गया। तुम्हें मोहन हो? जी जी हाँ। तो स्टेशन से कहाँ भाग गए थे? जी जी आप नहीं मिले, मैं होटल चला गया। नहा धो के नाक की सीट, मेरा मतलब है नाक की सीट में सीधा यहाँ पहुँचा। अब यहाँ पहुँच गए हो तो कभी भागने की कोशिश ना करना, जो भागते हैं उनका ये हाल होता है। एक दिन तुम्हें भी ये वर्दी पहनाई जा सकती है। जानते हो तुम्हारे बाप ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा है? जी नहीं। आदमी बनाने के लिए, और आदमी मैं तुम्हें बना के छोड़ूंगा। मालती, यस, नोटबुक लाओ, इसका वजन और साइज नोट करो। सीधे खड़े हो जाइए। यहाँ खड़े हो जाइए। वजन 160 पाउंड। कद 5 फुट 10 इंच। 5 फुट 10 इंच, आराम से खड़े रहो। 40 इंच। गर्दन 17। ये गर्दन का नाप क्यों लिया जा रहा है? कालर के लिए? कालर के लिए नहीं, झालर के लिए। झालर देखिए कभी? नहीं। मालते, इसे घर दिखाओगी तो झालर दिखा देना। चलिए चलिए। अटेंशन, क्विक, मार, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। मेरी रिक्शा वाला, अरे 4 के बराबर, ये 2 टांग वाला, मेरी रिक्शा वाला, भाई 4 के बराबर, अरे तेरी तो 2 टांग वाला, मेरी रिक्शा। अरे अरे ये कुंभकर्ण की अम्मा, अरे उठना री, सुनती नहीं राम। देना री रोटी, भूख लगी ना मुझे। काय की रे रोटी, पानी पी के हुई सो जा, आज रोटी चाहिए पक्की। क्या जबान चला रही ना, पटर पटर पटर, हमें सारा दिन घोड़े की तरह रिक्शा में लग को रहते हैं, और तुम्हें 2 रोटी बनाए तो तुम्हारे हाथ जल जाएंगे क्या? जले मेरी जूती। हमारी किस्मत ही खराब भाई, हमें प्यार से बात करे तो इन चूल्हे के अंगार की तरह फड़क ले को जाता हूं। अरे ये तो पूछ, मैं तेरे लिए क्या लाया हूं? क्या लाया रे? दिखाऊं? देखेंगे तो तुम्हें फड़क जाएंगे ना। कहां रे गया, देखना। 1 रुपया बस। बस क्या सड़ी शक्ल बना को बोल रही ना? बस ये घर की औरतों को क्या बोलना भाई, हमें मर्दा इतना पसीना निकाले तो तब जाको 1 रुपया मिलता। उताच आहा, मिलते तो 22 रुपए हैं, बीवी के हिस्से में सिर्फ 1 रुपया आता। अरे बाकी का कहाँ जाता है री? ये पूछ अपने इस पापी दिल से, या उस छोकरी से जिसको दे के आता। अरे तू फिर वो छोकरी का नाम ले रही ना, आइंदा अगर तू छोकरी का नाम ली तो मैं तेरी कलेजी निकाल कर भूंज के कुत्ते को खिला दूंगा। हाय हाय, चल गई ना कैसे दिल पे बरछी। अगर उसका नाम इतना ही प्यारा है तो जा उसके पास। देख री, अगर मैं चला गया ना तो जिंदगी भर मेरे लिए रोएंगी, तू तड़पेंगी। या चला जा, तेरी परवाह ही कौन करता है, मेरे पास मेरे बच्चे हैं। हाँ हाँ, तो ये बच्चे मेरे भी हैं, लेकिन मैं यहाँ रहने वाला नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ। राइट, बताए बच्चे हट रहे तू। अरे सुन ले री, तू मेरा आखिरी पैगाम तू सुन ले, मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, मुझे भूल जाना। जब भूख लगेगी ना 10 दफे ना घिसता आएगा। हाँ हाँ, लेकिन जब मैं आऊंगा ना तो मेरे सर पे जूते मारना। 2 लेके आना, तेरे लिए भी लाऊंगा मैं। 1 अपने लिए। अरे खानदान के लिए। हे राम, दफा यहाँ से। दफा बोलती है? मैं सचमुच मर गया तो तू जिंदगी भर कुंवारी रहेंगी ना, माटी मिली। मेरा मेकअप कैसा है?
जवाब नहीं। मेकअप से हर औरत 17 साल की लगने लगती है, चेहरे की सारी चोरियां छुप जाती हैं, सिर्फ खूबसूरती ही खूबसूरती दिखाई देती है। नहीं, तुम्हारा तो तुम्हारे पिताजी दिखाई देते हैं। पिताजी गए भाड़ में। तुम बेटे से बात करो, कोई भी बुरा बाप अपने जवान बेटे को किसी खूबसूरत लड़की साथ देखकर खुश नहीं होता, डरता है। तेरा बाप दिखाई देता है। तुम फिक्र करो मेरी, बोलती बुलबुल मेरी प्यारी चिड़िया, मैं अपने बाप का भी बाप हूँ। कोई भी इंसान अगर हमारे प्यार के रास्ते में रुकावट पैदा करेगा तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे कंधों में निचोड़ दूंगा। फेंके बच्चे, क्या पकड़ा है? पिताजी ड्रामे की रिहर्सल कर रहे हैं, उसका नाम है जवानी की तोप। किस उल्लू ने लिखा है? बेवकूफ, आज का नाटक कल का सच भी हो सकता है। जो तुम आज सीखोगे कल वही काटोगे। मैं तुम्हें घर से दफ्तर भेजता हूँ और तुम यहाँ आके इन चंद बेकार लोगों को जमा करके जवानी की तोप चला रहे हो। मैंने पहले ही उनसे कहा था कि बाप की तिजोरी में से 10,000 रुपए मार के लाओ तो अपनी खुद की ड्रामा कंपनी खोलेंगे। क्यों? करेक्ट। शट अप। मैं चुप रहूंगी। चलो मेरे साथ। चलो, तुम नहीं। सिंह आया सर। लोगों से कहो गाड़ी निकाली। अच्छा सर। क्या हुआ हाथ? सर, बाजू वाले मकान में जो सेठ रहता है उसकी फैक्ट्री वालों ने उसका घेराव किया हुआ था। मजदूरों की मांगे जायज थी, मैंने भी ताव में आकर सेठ जी के खिलाफ नारा मार दिया। बस उसके बाद पुलिस का पहला डंडा मेरे हाथ पर पड़ा और फिर मैं फौरन अपने फैमिली डॉक्टर डॉक्टर बंदूक जी पिस्तौल वाला के पास गया और हाथ का मसाज करवा कर चला आ रहा हूँ। इसके माने अब तुम ड्राइविंग नहीं कर सकते? इम्पॉसिबल सर। याद कितना उठता है? बस यही 1.5-2 इंच। पहले कितना उठता था? पहले तो पूरा उठता था। नॉनसेंस, मुझे टैक्सी में जाना पड़ेगा। ए गोगो। ये सर। कौन सा हाथ उठाया था? दावा हाथ उठाया था सर। और याद? ये तो 1.25 इंच उठता। बच गए। मैं तो बूढ़े ने आज पकड़ लिया था। ए फर्नांडिस, ए आशीष सैन, ए सीताराम, चलो सब लोग इधर आओ। चलो तुम तीनों अपना अपना खोल लो कान और सुनो मेरा बयान। इस वक्त से लेकर आने वाले पूरे 2 घंटे तक तुम सब मुझे अपने सेठ जी कैलाश नाथ गुप्ता का एकलौता एक पहला और आखिरी बेटा विजय गुप्ता समझोगे। मतलब की? मतलब ये औषी दादा कि मेरा ससुरा अपना बेटी को लेके यहाँ मुझे देखने के लिए आ रहा है। ऐसे मौके पे थोड़ा आप लोग का मदद चाहिए। ये रकम कैसे हो सकता? हमारा सेठ जी को मालूम पड़ा हमारा नौकरी जाएगा। नौकरी? औषिदा, नौकरी तो तुम्हारा पहले से ही खतरे में है, क्योंकि हमको ये मालूम हो गया है कि जिस बनिया के पास आप जाकर बाजार लेकर आता है ना, उससे आप 20% कमीशन भी खाता है। अगर ये बात हम सेठ जी को बोल दिया तो आपका और आपका कोलकाता वाला फैमिली का क्या होगा? नहीं, तुम बोलेगा सब करेगा, सब करेगा, सब करेगा, सब करेगा। हाँ सीताराम, देखो हमको ये सब पता है कि तुहार सीता कहाँ रहती है। जोगेश्वरी भैंसों के तबेले में। हम उसको जाकर ये कह देंगे कि ये सीताराम कोई ब्राह्मण नहीं, ये तो तेली है, तेली। ये तो मटन भी खाता है, मछली भी खाता है और छैकड़ा भी खाता है। उसके बाद सोच लो कि तुहार शादी कैसे हो। आई जुलम ना करे, आई जुलम ना करे, जैसे यो वैसन करम करम। आर गोगो भैया, बैठ गोगो, तेरा बाप विजय बाबू भाई। विजय बाबू बोल। अच्छा विजय बाबू, ठीक है। फर्नांडिस, फर्नांडिस तुम्हारे लिए भी एक बात है। देखो तुमने एक बार सेठ जी का खाला वाला सूट चोरी किया, उसको फैना, उसको फैनने के बाद में फोटो निकाला और अपना फादर इन लॉ को तुमने भेजा। वो फोटो का एक कॉपी और उसका नेगेटिव मेरे पास है। अगर मैं वो सेठ जी को दे देंगे तो तुम सोचो तुम्हारा क्या होंगे। नो विजय बाबू नो, अपन गोर अपन तो तुम्हारा जाता है। कुछ नहीं करो, शायद वो लोग आ गए। इधर आ। क्या है? इधर आ। इब तो पत्थर भी पिघलने लगे, तू भी पिघल जा मोमबत्ती। तू जैसे फटीचर के साथ। यो फटीचर ना कहियो, अगर तू कहे तो 100-200 के हसली खड़वे आज ही गड़वा तू। अरे जा जा, तू क्या गड़वाएगा हसली खड़वे। और अगर गड़वा दू तो दे देगी शादी की इजाजत? लेके आज तो जानू। अच्छा हाँ, छोड़ छोड़ चुम्मा, छोड़ छोड़ छोड़। आए आए,
दो तरफ से मारा गया, ये 200 का लोट कहां से आएगा? 200 का लोट लक्षाय वानो वानो तितली। हाँ वानो तितली। अरे आप तो बड़े प्यार से पुकार रहे हो, मगर बात क्या है? क्या फिर से पैसे चाहिए? ना रे ना ना ना, मैंने तो यो सोच लिया है कि अब मुर्गा काजी के भतीजे को बुलाकर फौरन दो बोल निकाल के पड़वाही डाल लूं। सच? तेरी इस कच्ची उम्र की कसम, अगर मैं करूंगा तो तेरे से ही करूंगा शादी। लेकिन सवाल यो पैदा होता है, क्या कि तेरे मेरे शादी के जोड़े का क्या होगा? जुम्मन, हम दोनों की शादी के जोड़े में कितने रुपए लगेंगे? शर्म आती है मेरे को यो कहते हुए। बोलना। 100 रुपए की दीवार है हम दोनों के बीच में। तो जुम्मन तोड़ दे इस दीवार को और ये ले 200 रुपए। ला दिलवा ले शादी का जोड़ा। बस तू जाके मेहंदी लगा ले। हाँ। लाल लाल हो जा, मैं सिला के आता हूँ। भैया जरा असली खड़वे दिखाते, शादी कर ले। ना असली की जरूरत है ना खड़वे की। लड़की बस में करनी है तो जरूरत है इस वशीकरण तारीख की, जो देखते ही खींची चली आए और कोड़ियों में घर बसाए। उस्ताद एक तावीज मुझे भी दे दो। लड़की बस में करनी है? हाँ। जल्दी। हाँ। तो तुम्हारा काम इस तावीज से नहीं चलेगा, तुमको वहां वशीकरण तावीज देना चाहिए। चलो मेरे घर। चलो सामान उठाओ। सामान? हाँ सामान उठाना पड़ेगा। उठा लेता हूँ। भाई दयाराम, तुम्हारी ये बात पसंद आई कि तुमने घर में ही दफ्तर बना रखा है। सर, आपसे कोई मिलने आया है मद्रास से, मिस्टर अय्यर। अय्यर? ओ, और तुम मोहन से मिलने भी आया था? मेजर्स रॉबिन्सन सन्स एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, 27 सुगरकेन स्ट्रीट, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। यस सर्स, वी बात करेगी इज्जत। ये क्या लिख दिया है तुमने? मैंने ग्लासगो कहा, ग्लासगो नहीं। मैंने स्कॉटलैंड यार्ड नहीं कहा, मैंने स्कॉटलैंड कहा। नौकरी करने चले आते हैं, नहीं मालूम कि स्कॉटलैंड और स्कॉटलैंड यार्ड में क्या फर्क है? शाबाश शाबाश पिताजी। शाबाश, ऐसा ही होना चाहिए। देखो तुम क्या थे और क्या बन गए। मैं तो कहता हूँ घर चलो और अपना कारोबार संभालो। पिताजी ऐसा नहीं हो सकता। बात दरअसल ये है कि मैंने यहाँ एक दूसरा कारोबार शुरू कर दिया है, जब तक मैं उससे निपट ना लूं घर आना मुश्किल है। करेक्ट? आना भी नहीं चाहिए, मुझे दयाराम से सब मालूम हो गया। इधर तुमने हाँ कही और उधर शादी की नौबत बजी। शादी? किसकी शादी? मेरी शादी। बाप को बनाता है, मालती तुझे पसंद करती है, उसने हाँ कह दिया। लेकिन पिताजी मालती तो आधी पागल है। I mean she's 50% mad. Oh my child, you are also 50% mad. जोड़ी अच्छी रहेगी। Correct? Not correct. तूने मेरी जान को पागल क्यों बोला? चुप चुप, पढ़ाया जान वाला बांध है उसको जिसने तुम्हें अपनी जान बख्श दी। मोहन, रॉबिन्सन and Sons Private Limited, 27 Sugarcane Lane, Glasgow, Scotland. An unexpected letter of your delivery van of 1947, 62 and 73. Whatever it is, each and everything is going to be pop. मैं तुमको बताऊँ स्कॉटलैंड लिखने के लिए और तुम स्कॉटलैंड यार्ड लिखते हो। मैं तुमको बताऊँ ग्लास को लिखने के लिए और तुम ग्लू को खुला लिखते हो। अगर तुमको टाइप करने नहीं आता जाके हार्ड में बताओ, पेन में बताओ। यू शट अप, डोंट टॉक इन बिटवीन टू मैन। वेरी गुड वेरी गुड, बट रॉन्ग इंग्लिश। तुम्हारे पिताजी कहाँ है? इधर नहीं आए? आए थे, चले गए। ओ गए
क्या प्लान बनाया, क्या स्कीम बनाई थी, जाख पाए घर के बुद्धू घर को। बेटा हम आज शाम की गाड़ी से बंबई वापस जा रहे हैं, तुम्हारी माँ की जिद है कि तुम हमें स्टेशन तक छोड़ने जरूर चलो, काम करो काम करो। अब क्या होगा? नाश्ता। तुम मजाक कर रहे हो, यहाँ अभी मेरी जान चली जाती। जैसे मैं कहता हूँ वैसे करते रहो, ना तुम्हारी ये जान जाएगी ना तुम्हारी वो जान। मोहन जी, अटेंशन। फिर वही डबल आवाज। अंकल मैंने आपसे कहा था ना कि मैं कई तरह की आवाजें निकाल सकता हूँ। तो फिर निकालो ये डबल आवाज। तो फिर आप फिर से उधर मुंह कीजिए। यस मोहन जी, वेरी गुड वेरी गुड। अलमारी खोलो अलमारी खोलो, और पिताजी से जाकर कहो कि नाश्ता बिल्कुल तैयार है, आ जाए। दीन दयाल अभी तक आया नहीं। चले आए कौन है रे? बाबू साहब हम कोई भिखारी नहीं हैं, हम तो बुद्धू राम का बेटा चालाक राम मालिस वाला है। रात को हमारे पिताजी को माताजी ने एक आध डंडा टिका दिया जिसके कारण वो आज नहीं आ सके, उनकी जगह पर हम चले आए हैं। अरे मगर दीन दयाल को मैंने भेजा था तुम्हारे बाप को बुलाने के लिए, तुम क्यों आए? बाबू साहब उखड़ने की कोई जरूरत नहीं है, नाक आप चाहे यहाँ से पकड़िए या यहाँ से पकड़िए, एक ही बात है, बाप की जगह पर बेटा चला आया है। बताइए आपको क्या तकलीफ है? यहाँ कमर में दर्द है। अरे इस कमर को तो हम 5 मिनट में तोड़ देंगे, हमारा मतलब है जोड़ देंगे, आप तनिक लेट जाइए। हैं अंधे हो क्या? दर्द तो इधर है, उधर क्या है? आपकी कमर में है? हाँ। तो कोई बात नहीं, आपको तो खोटे नवाब वाली मालिश देनी चाहिए। अरे राम, हाय 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 मर गया। अरे ये तुम्हारा खोटे नवाब ये घिसे कैसे सहता है? अरे ये तो कुछ भी नहीं है घिसा, खोटे नवाब को तो हम ऐसा रगड़ा देते हैं कि वो रगड़ा खाने के बाद में वो ऐसा भागता है कि बाकी सब पीछे रह जाते हैं। आप भी एक रगड़ा खा लीजिए, उसके बाद में आप भी दुम उठा कर भागेंगे। खोटे नवाब की दुम थी क्या? मैम साहब, अरे सब घोड़ों की दुम होती है। यानी कि तुम बाबूजी को घोड़े का मसाज कर रहे हो? हाँ मैम साहब, देखो जब मालिश करते हैं तो कमर को देखते हैं, ये कमर थोड़ी है, ये तो कमरा है, एक घोड़े की नहीं तो मसाज मिली। अरे बाबूजी मर गया, मसाज भी आपको देंगे। अरे बाबा मुझे मसाज नहीं चाहिए। अरे हमारे पिताजी ने बता दिया है कि आपको कौन सी मसाज देनी चाहिए। ये क्या कर रहे हैं? इसका उंगली मसाज कहते हैं, उंगली मसाज। उंगली जापान में बहुत मशहूर है, हम सीखे थे। ये देखो उंगली मसाज, हो गई तो बस ठीक है। अब हम आपको अफ्रीकन मसाज देंगे, भागो भागो मसाज। मामा तो सुना था लेकिन ये भागो भागो कहाँ से आया? मैम साहब वो हम आपको 5 मिनट बाद में समझाएंगे, तनिक पानी गर्म करके लाना। भागो भागो मसाज। बाबूजी देखो ये पानी गर्म करने में आप गर्म हो जाएंगे, तो हम खुद ही जाकर के आ जाएं। हाँ जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी मेरी छुट्टी करा।